स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में एक सुनार रहता था जो अपने काम में बहुत ही माहिर और होशियार था। सुनार का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसने काफी धन जमा कर लिया था। अब सुनार ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील औरत से शादी कर ली जिसका नाम था प्रेमलता। सुनार के पड़ोस में ही एक आदमी रहता था जो बहुत ही चालाक और होशियार था। धन दौलत तो उसके पास बहुत थी लेकिन वो दिन रात बुरे कामों में पड़ा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सुनार की पत्नी को देख लिया। उसकी सुंदरता देख कर वो उस पर फिदा हो गया और फिर वो हर दिन यही कोशिश करने लगा कि किस तरह से सुनार की पत्नी प्रेमलता को हासिल किया जाए। प्रेमलता बहुत ही नेक और होशियार औरत थी। उसने अपने आप को उस आदमी से दूर रखा लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि हर समय प्रेमलता पर ही नजर गड़ाए रखता। दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता कि किस तरह से वो प्रेमलता को अपने काबू में कर ले, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने ये तरकीब लगाई कि उसने प्रेमलता के पति यानी सुनार से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब सुनार उस आदमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुनार अपनी हर बात अपने उस चालाक दोस्त को जरूर बताता था। वह कोई भी काम अपने दोस्त की सलाह के बिना नहीं करता था। एक दिन सुनार ने अपने चालाक दोस्त जिसका नाम सज्जन था उससे कहा, दोस्त पिछले कुछ दिनों से मेरी आंखों की नजर धुंधली पड़ रही है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जवान है और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा मर्द भी नहीं है जो मेरी धन दौलत को संभाल सके। मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरी पत्नी ही मुझे धोखा ना दे दे या मेरा कोई नौकर ही मेरे माल को ना ले उड़े। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से ही अपनी धन दौलत का कुछ इंतजाम कर दूँ जिससे कि मेरी सारी दौलत सुरक्षित रहे और मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। चालाक दोस्त सज्जन ने कहा, मेरा भी यही विचार है लेकिन मैं इस बात को कहने से कुछ डर रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत ना समझ जाओ। मेरी सलाह तो ये है कि तुम अपने पास कुछ जरूरी सामान और थोड़ा बहुत नकदी रख लो, बाकी की अपनी सारी दौलत तुम उस आदमी के पास छोड़ दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिसे तुम अपना शुभ चिंतक समझते हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5,000 अशर्फियां हैं और मेरे दोस्त इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है, इसीलिए मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि मेरी सारी दौलत तुम अपने पास रख लो। तुम्हारे पास मेरी दौलत रहेगी तो मुझे ये भी आराम रहेगा कि तुम मेरे नजदीक ही रहते हो। अगर मुझे किसी भी समय धन की आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुमसे ले लूंगा। सज्जन ने कहा, भाई तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बेचारा सुनार अपने मक्कार दोस्त की बातों में आ गया। 5,000 अशर्फियां उसने सज्जन के हवाले कर दी। वो अशर्फियां उसने इस तरह से सज्जन के सुपुर्द की कि किसी तीसरे आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इस बात को काफी समय बीत गया और सुनार की दोनों आंखों की नजर जवाब दे गई, तब उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई है, अब खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत है। तुम मेरे दोस्त सज्जन के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने जो रकम उसके पास अमानत के रूप में रखवाई थी उसमें से 500 अशर्फियां दे दे जिनकी हमें बहुत ही जरूरत है। प्रेमलता अपने पति के कहने पर उस चालाक दोस्त सज्जन के घर पर जा पहुंची। उसे अपने पति का संदेशा दिया। सज्जन ने प्रेमलता की बहुत ही खातिरदारी की और उसे बिठाया। अशर्फियां क्या, मैं तो तुम्हारे ऊपर अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुमसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। प्रेमलता मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूँ लेकिन तुमने तो मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारा पति तो अब अंधा और बीमार हो चुका है, तुम जैसी खूबसूरत औरत के वो काबिल नहीं है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ,
मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। ये सारी बातें सुनकर सुनार की पत्नी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कहने लगी, अरे तुम तो बहुत ही बदतमीज और नालायक किस्म के आदमी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई औरत पर बुरी नजर डालते हुए? तुम्हें ईश्वर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? प्रेमलता वहां से चलने लगी तो सज्जन ने उससे कहा, अरे बेवकूफ औरत, जहां जाना है चली जा, दोबारा कभी भी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। मैं नहीं जानता कि तेरा पति कौन है और कौन सी चीज उसने मेरे पास अमानत रखवाई है। अरे वो तो एक बहुत ही कंजूस और गरीब आदमी है, भला उसके पास 5,000 अशर्फियां कहां से आएंगी जो वो मेरे पास रखवाता। बेचारी औरत मायूस और ना उम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। पति से कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने तो साफ इनकार कर दिया, वो कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानता और उसने ये भी कहा कि उसके पास किसी ने भी 5,000 अशर्फियां नहीं रखवाई। सुनार ये सुनकर बड़ा ही दुखी हो गया। वो अंधा तो हो ही चुका था, बीमारी के कारण उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद उठकर अपने चालाक दोस्त के पास जा सकता। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अच्छा तुम ऐसा करो कि गांव का मुखिया भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और मेरे मक्कार दोस्त की सारी बात उसे बता दो। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरूर हमारी सहायता करेगा और हमारी अशर्फियां उस मक्कार सज्जन से वापिस दिलवा देगा। प्रेमलता बेचारी अपने पति की बात मानकर मुखिया के घर पर जा पहुंची और उसे सारी बात बता दी। मुखिया ने जब इतनी सुंदर औरत देखी तो वो फौरन उस पर लट्टू हो गया और कहने लगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर अभी उस आदमी से तुम्हारी सारी रकम दिलवा दूंगा। बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति तो अंधा और बीमार है, तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? मेरी बात मान लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 5,000 अशर्फियां भी दिलवा दूंगा और उसके अलावा तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर सुनार की पत्नी एक बार फिर से गुस्सा हो गई और वो कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा पति अंधा है? मैं जिस काम से तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें वो काम करना चाहिए। लोगों ने तुम्हें मुखिया इस बात के लिए नहीं बनाया कि तुम दूसरी औरतों पर बुरी नजर रखो। मुखिया ने जब प्रेमलता का यह जवाब सुना तो वो भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तेरा पति कौन सा धन्ना सेठ है जो उसके पास 5,000 अशर्फियां किसी के पास अमानत रखने के लिए होगी? तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और फिर दोबारा इधर का रुख मत करना। बेचारी प्रेमलता सर झुकाए आंखों में आंसू लिए वापिस अपने घर आ गई। उसने अपने पति से कहा कि गांव का मुखिया हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये सुनकर सुनार चुप हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा, तुम ऐसा करो कि नगर के कोतवाल के पास जाओ, शायद वो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत से जेवर बनाए थे और वो मेरे काम से बहुत खुश भी था। सुनार की पत्नी प्रेमलता कोतवाल के पास गई और उसे भी अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कोतवाल की नियत भी प्रेमलता की सुंदरता देखकर डगमगा गई। सारी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम दिल छोटा मत करो, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी के अभी उस मक्कार आदमी से तुम्हारी अशर्फियां वापिस दिलवा दूंगा। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारा पति अंधा और बीमार है तो फिर तुम उसके पास क्यों रहती हो? अरे भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हो। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। प्रेमलता ये सुनकर कहने लगी, कोतवाल साहब, आप जरा अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए, क्या आपके घर में बहु बेटियां नहीं हैं? ये सुनकर कोतवाल गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे औरत, तू क्या फिजूल की बातें करती है, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं, चल निकल यहां से, खबरदार जो दोबारा कभी यहां पर आई तो। प्रेमलता बेचारी मन ही मन में कोतवाल को भला बुरा कहती हुई अपने घर वापस लौट आई। अपने पति से कहने लगी, तुम बेवजह ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, इस दुनिया में अब किसी के मन में भी ईमान नहीं रहा, इंसाफ नहीं रहा। सुनार को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वो कहने लगा कि तुम एक बार नगर के न्याय अधिकारी के पास जाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। प्रेमलता कहने लगी, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी मेरी कोई बात सुनी जाएगी।
लेकिन तुम कहते हो तो मैं ये भी करके देख लेती हूँ। प्रेमलता जब न्याय अधिकारी के पास पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर न्याय अधिकारी भी उस पर मोहित हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, मेरे पास किस काम से आई हो? प्रेमलता ने अपनी सारी कहानी न्याय अधिकारी को बता दी। उसकी बात सुनकर न्याय अधिकारी कहने लगा, मैं तो तुम जैसी औरत का गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। तुम कहो तो अभी के अभी उस आदमी से तुम्हारी अशर्फियां दिलवा दूं। लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। सुनार की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो चिल्ला चिल्ला कर न्याय अधिकारी को गालियां देने लगी। इसके बाद वो अपने घर वापिस आ गई। रोते हुए वो अपने पति से कहने लगी, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची है, अब हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम अपनी 5,000 अशर्फियां बस भूल ही जाओ और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करो। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत करके 5,000 अशर्फियां इकट्ठी की थी कि बुढ़ापे में मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अब जब मेरी सारी मेहनत की कमाई डूब गई है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। मेरी तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। प्रेमलता ने जब अपने पति की ये हालत देखी तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वो अपने पति से कहने लगी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारे उस मक्कार दोस्त मुखिया कोतवाल और न्याय अधिकारी से ऐसा बदला लूंगी कि वो याद रखेंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसी तरकीब सोच ली है। इसके बाद सुनार की पत्नी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा कि मुझे 3 बड़े बड़े संदूक बना दो। संदूक इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें आदमी आराम से बैठ जाए। संदूक वाले ने कहा, ठीक है, शाम तक मैं ऐसे संदूक बना दूंगा। घर वापस आकर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी जाए और साथ ही साथ लजीज पकवान भी बनाए जाएं। शाम होते होते संदूक तैयार हो गए और सुनार की पत्नी के घर पहुंच गए। प्रेमलता शाम को तैयार हुई, सज धज कर वो उस चालाक दोस्त यानी सज्जन के घर पर गई जिसके पास 5,000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी गई थी। प्रेमलता को देखकर सज्जन बहुत ही हैरान हुआ। प्रेमलता बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहने लगी, सचमुच तुम एक बड़े ही अच्छे इंसान हो। मैंने उस दिन तुमसे बहुत ही कड़वी बातें कह दी थी, लेकिन बाद में मुझे इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने अच्छे आदमी हो तो मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करती। मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने कल तुम्हारे लिए अपने घर पर दावत का इंतजाम किया है। कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाओ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सज्जन जो पहले से ही प्रेमलता पर मरता था मन ही मन में बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे सुंदरी, सच तो ये है कि मैं भी अपने बर्ताव पर बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे के अनुसार सुबह तुम्हारे मकान पर पहुंच जाऊंगा। वहां से निकलकर प्रेमलता सीधा मुखिया के घर पर गई और मुखिया से कहने लगी, मुखिया जी, मैं जब से आपके मकान से गई हूँ आपकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। यदि आपने सचमुच मुझे माफ कर दिया तो कल सुबह आप मेरे मकान पर जरूर आइएगा। मुखिया बेचारा प्रेमलता की बातों में फंस चुका था और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं सुबह बिल्कुल ठीक समय पर तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। प्रेमलता वहां से निकली और कोतवाल के पास जा पहुंची। कोतवाल से कहने लगी, मैं तो आपकी दासी हूँ हजूर, और कल मैं आपको अपने मकान पर दावत देना चाहती हूँ। कोतवाल ने इतनी सुंदर औरत से जब ये बात सुनी तो तुरंत राजी हो गया। बिल्कुल सुंदरी, हम तुम्हारी दावत पर जरूर आएंगे, मैं तो पहले से ही तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। वहां से निकलने के बाद प्रेमलता न्याय अधिकारी के पास जा पहुंची और कहने लगी, हजूर, उस दिन जो मैंने आपको जलीकटी सुनाई थी उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तब से मेरे मन को चैन नहीं है, आप मुझे अपनी दासी ही समझिए और अपनी खातिरदारी का मौका दें। कल सुबह मैंने आपके लिए दावत रखी है। न्याय अधिकारी ने जब ये बात सुनी तो उछल पड़ा और कहने लगा, बेशक तुम्हारे जैसी सुंदरी हमें दावत दे तो हम मना कैसे कर सकते हैं।
बल्कि मैं खुद भी अपने उस दिन के बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। वो भी प्रेमलता की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया। उसने भी दावत में आने की हामी भर दी। प्रेमलता ये सारे काम निपटा कर अपने घर वापिस आ गई। घर पहुँच कर प्रेमलता ने अपनी नौकरानी से पूरे घर की सफाई करवाई, लजीज पकवान बनवाए। उस रात प्रेमलता खूब सजी सवरी, जबकि दूसरी तरफ सज्जन, मुखिया, न्याय अधिकारी और कोतवाल, इन सभी को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के समय सुनार का चालाक दोस्त सज्जन बन ठन कर सुनार के घर पहुंचा। सुनार की पत्नी पहले से ही तैयार होकर उसके इंतजार में बैठी थी। जब सज्जन उसके घर पर आया तो प्रेमलता उसे अंदर कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सज्जन अपने साथ 100 अशर्फियों की थैली भी लेकर आया था। वो थैली उसने प्रेमलता को दी। प्रेमलता ने नौकरानियों से सज्जन के लिए शरबत और खाने पीने का सामान मंगवाया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो प्रेमलता की ही एक नौकरानी, जिसको प्रेमलता ने पहले से ही सब कुछ सिखा रखा था, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने उठकर पूछा कि क्या बात है। नौकरानी कहने लगी, आपका भाई आपसे मिलने आया है, वो इस समय आपके पति के पास बैठे हैं। प्रेमलता ने सज्जन की ओर देखा और कहने लगी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं कुछ ही देर में अपने भाई से मिलकर आती हूँ। ठीक है सुंदरी, लेकिन जल्दी आना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। प्रेमलता कमरे से बाहर निकली। उसने दरवाजे को बाहर से बंद किया और एक बड़ा सा संदूक वहां पर लाकर रख दिया। इतनी देर में मुखिया उसके घर आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने अपनी नौकरानी को भेजकर मकान का दरवाजा खुलवाया और फिर मुखिया को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। उसके साथ प्रेम भरी बातें करने लगी। नौकरानी से कहकर उसके लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मुखिया जी, आज रात आप यहीं पर रुकिएगा, आप यहाँ पर आराम कीजिए। मुखिया, जो 300 अशर्फियां अपने साथ लाया था, उसने प्रेमलता को दे दी। इसके बाद वहां पर एक सुंदर सा पलंग बिछा था। प्रेमलता ने कहा, मुखिया जी, आप इस पलंग पर आराम फरमाइए। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी मकान का दरवाजा खटखटाया। नगर का कोतवाल सुनार के घर पर आ पहुंचा था। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? कोतवाल ने कहा, अरे मैं हूं, अपना नाम भी बताओ। मैं हूं नगर का कोतवाल। मुखिया ने जब यह सुना तो घबरा गया, कहने लगा, अरे ये कोतवाल यहां पर क्यों आया है? मुखिया जी, कोतवाल तो मेरे पति का दोस्त है, उनका हाल चाल पूछने आया होगा। अब मैं क्या करूं? आप ऐसा करें कि बराबर में जो संदूक रखा है उसमें छिप जाएं। डरा हुआ मुखिया उस संदूक के अंदर जाकर बैठ गया। प्रेमलता ने संदूक का ढक्कन बंद करके उसमें ताला लगा दिया। प्रेमलता कोतवाल को हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उससे कहने लगी, आपने बड़ी मेहरबानी की जो मेरी दावत पर आ गए, आज की रात आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। जब वे लोग खाना खा चुके, प्रेमलता कोतवाल से कहने लगी, आप आराम से इस पलंग पर लेट जाइए, इसे अपना ही घर समझिए। कोतवाल अभी पलंग पर लेट भी नहीं पाया था कि तभी न्याय अधिकारी ने आकर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेमलता ने पूछा, कौन है? मैं हूँ शहर का न्याय अधिकारी। कोतवाल न्याय अधिकारी का नाम सुनकर घबरा गया। डर के मारे वो कांपने लगा और कहने लगा, अरे इस वक्त ये यहाँ पर क्यों आया है? अब तो मैं मर गया, जल्दी से कोई उपाय बताओ कि मुझे न्याय अधिकारी देख ना ले, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं? आप यहाँ पर रखे संदूक में बैठ जाइए, मैं कुछ ही देर में इनको यहाँ से चलता कर दूंगी। कहीं तुमने तो न्याय अधिकारी को मेरे यहाँ पर आने की खबर तो नहीं दी? नहीं हजूर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरे पति के दोस्त हैं, उनकी बीमारी का हाल सुनकर आए होंगे, कुछ ही देर में ये वापिस चले जाएंगे। ये कहकर प्रेमलता ने कोतवाल को संदूक में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। जब वह दरवाजे पर गई तो न्याय अधिकारी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अरे हजूर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी, आपने आने में बहुत देर कर दी। प्रेमलता उसे कमरे के अंदर ले आई, उसके लिए खाना मंगवाया और उसकी खूब खातिरदारी की। प्रेमलता ने
न्याय अधिकारी को भी मुखिया और कोतवाल की तरह बिठाकर खाना खिलाया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। न्याय अधिकारी जो अपने साथ 500 अशर्फियां लाया था वो उसने प्रेमलता को दे दी। न्याय अधिकारी कहने लगा, प्रिय अब तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। अरे हजूर इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम तो करिए। प्रेमलता ने चुपके से अपनी नौकरानी को इशारा किया कि वो वैसा ही करे जैसा उसे सिखाया गया था। नौकरानी एक बार फिर से दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी। प्रेमलता ने पूछा कि कौन है, तो नौकरानी ने कहा, मालकिन आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्रेमलता ने कहा, मेरा भाई आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आप इस बड़े से संदूक में छिप जाइए, मैं जल्दी ही अपने भाई को वापिस भेज कर आती हूँ। न्याय अधिकारी जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो तुरंत संदूक में छिप गया। प्रेमलता ने ऊपर से संदूक को ताला लगा दिया। अब प्रेमलता ने मुखिया, कोतवाल, सज्जन और न्याय अधिकारी इन सभी को संदूकों में बंद कर दिया, तो वहां से निकलकर वो उस कमरे में गई जहां पे चालाक दोस्त सज्जन बैठा हुआ था। उसके नजदीक जाकर प्रेमलता प्रेम भरे अंदाज में कहने लगी, हजूर मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आपको इतना इंतजार करवाया। असल में मेरा भाई जो आया हुआ था मैंने उससे काफी बहाने बनाए लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे टाल कर आई हूँ। अरे सुंदरी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी बाहों में आ जाओ, तुम फिर से कहीं और मत चली जाना। भला ऐसा कैसे हो सकता है, हजूर मैं तो आपसे भी ज्यादा बेकरार हूँ। प्रेमलता सज्जन को अपने साथ उस कमरे में ले आई जहां पर वो 3 संदूक रखे हुए थे और वहां पर कहने लगी, हजूर यही वो कमरा है जहां पर हम आज की रात बिताएंगे। ये भी खूब रही, अब तुम जल्दी से मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दो। अरे हजूर ऐसी भी क्या जल्दी है, आप जरा ये तो बताइए कि आपको उन 5,000 अशर्फियों की भी कोई खबर है जो मेरे पति ने आपके पास रखी थी। आपने वायदा किया था कि अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी तो आप 5,000 अशर्फियां मुझे वापस लौटा देंगे, अब आप जल्दी से जल्दी अपना वायदा पूरा कीजिए। अरे मैं कौन सा अपने वादे से मुकर रहा हूँ, वो 5,000 अशर्फियां तो तुम्हारी अमानत हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बल्कि 5,000 अशर्फियां अलग से मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। प्रेमलता कहने लगी, हजूर मैं तो एक नादान और ना समझ औरत हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप अपने वायदे से मुकर भी सकते हैं, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले 5,000 अशर्फियां मंगवा कर यहाँ पर रख लीजिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी 5,000 अशर्फियां वापिस कर दूंगा। ठीक है हजूर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको इसी समय इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरी 5,000 अशर्फियां आपके पास अमानत के तौर पर रखी हैं और आपको वो अशर्फियां वापस करने में कोई भी एतराज नहीं है। ये मकान, ये पलंग, ये संदूक इस बात के गवाह होंगे। सज्जन ने तुरंत कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ये बात कबूल करता हूँ कि तुम्हारी 5,000 अशर्फियां मेरे पास अमानत के तौर पर रखी हुई हैं, मैं उन्हें वापस करने को भी तैयार हूँ। इसके बाद प्रेमलता कमरे से बाहर आ गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे घर में चोर घुस आया है। घर की नौकरानियों ने भी अपनी मालकिन का साथ देते हुए खूब हल्ला मचाया। तभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने देखा कि सचमुच आधी रात के समय कोई आदमी प्रेमलता के कमरे में बैठा हुआ था। लोगों की भीड़ ने सज्जन कुमार को पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इसे तुरंत कोतवाल के पास ले चलना चाहिए। प्रेमलता ने कहा, नहीं नहीं मुझे कोतवाल पर विश्वास नहीं है, मैं तो इसे सीधा महाराज के दरबार में पेश करूंगी। अब तक सुबह भी हो चली थी। प्रेमलता ने कुछ लोगों की सहायता से सज्जन को पकड़कर महाराज के दरबार में पहुंचा दिया। प्रेमलता ने सज्जन को राजा के दरबार में पेश किया तो महाराज कहने लगे, आप किस काम के लिए हाजिर हुए हैं। प्रेमलता ने कहा, महाराज ये आदमी आधी रात के समय मेरे घर में घुसा था। महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे सबसे पहले गांव के मुखिया के पास ले जाना चाहिए था। हजूर मैं वहां पर भी गई थी लेकिन गांव का मुखिया वहां पर नहीं था,
फिर तुम इसे कोतवाल के पास क्यों नहीं ले गई? माफ़ी चाहती हूँ हजूर, लेकिन कोतवाल भी शहर में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम न्याय अधिकारी के पास नहीं गई? महाराज, न्याय अधिकारी भी मुझे नहीं मिला। महाराज हैरान होकर कहने लगे कि ये सब एक साथ कैसे गायब हो गए? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर इन लोगों का पता किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक वापस आए और कहने लगे, महाराज ये औरत सच कहती है, मुखिया, कोतवाल, न्याय अधिकारी सब के सब गायब हैं। तब महाराज ने कहा, औरत सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? प्रेमलता कहने लगी, असल बात ये है महाराज, इस आदमी के पास मेरे पति की 5,000 अशर्फियां अमानत के तौर पर रखी हुई थी, परंतु अब ये वापिस करने से इनकार करता है। सज्जन प्रेमलता के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहने लगा, हजूर मेरे पास इसकी कोई भी 5,000 अशर्फियां नहीं है। तब महाराज ने प्रेमलता से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके? जी महाराज, मैं उन गवाहों को दरबार में अभी पेश कर सकती हूँ। आप अपने सिपाहियों से कहकर एक घोड़ा गाड़ी मेरे घर पर भिजवाइए। महाराज ने ऐसा ही आदेश दिया और तुरंत आदेश का पालन किया गया। कुछ ही देर के बाद घोड़ा गाड़ी पर 3 संदूक लादकर राज दरबार में पेश किए गए। महाराज ने जब संदूक देखे तो कहने लगे, प्रेमलता ये क्या है? ये बेजान संदूक, भला ये गवाही कैसे देंगे? महाराज बिल्कुल ये संदूक गवाही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब प्रेमलता ने संदूकों की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे संदूकों, क्या तुमने नहीं सुना जब इस आदमी ने कहा था कि इसने मेरे पति की 5,000 अशर्फियां अपने पास रखी हैं? परंतु संदूकों में से कोई आवाज नहीं आई। तब प्रेमलता ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिए कि कुछ घास फूस और कच्ची लकड़ियां लाकर संदूक के ऊपर रखी जाए और इन्हें आग लगा दी जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि संदूक अपनी गवाही जरूर देंगे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया और संदूकों के ऊपर घास फूस रखकर उनमें आग लगा दी गई। जैसे ही आग की तपिश बढ़ी और उनके अंदर बैठे हुए मुखिया, कोतवाल, न्याय अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जी हजूर ये औरत बिल्कुल सच कहती है, इस आदमी ने हमारे सामने ही कबूल किया था कि इसने सुनार की 5,000 अशर्फियां अपने पास अमानत के तौर पर रखी हैं। महाराज संदूक के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर बड़े ही हैरान हुए। तुरंत संदूकों को खोल दिया गया। संदूकों के अंदर से मुखिया, कोतवाल और न्याय अधिकारी निकले, जिनके सिर शर्म से झुके हुए थे। तब महाराज के पूछने पर प्रेमलता ने सारा किस्सा महाराज को सुना दिया। जब महाराज को ये पता चला कि कोतवाल, न्याय अधिकारी और मुखिया प्रेमलता को इंसाफ देने की बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार करके कारागार में डालने का आदेश दिया। साथ ही साथ सुनार के मक्कार दोस्त सज्जन को भी कारागार में डाला गया। उसकी संपत्ति जब्त करके उसमें से 5,000 अशर्फियां सुनार को वापस लौटा दी गईं। और इस तरह से प्रेमलता ने अपनी चतुराई और समझदारी से अपने पति की 5,000 अशर्फियां वापस पा ली। साथ ही साथ भ्रष्ट राज कर्मचारियों को उनके किए की सजा भी दिलवा दी।